हेलो दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सटेंड सरफेस क्या होता है, उसके बाद ट्रिम भी देखा था, अनट्रिम भी देखा था और नीट भी कमांड कवर किया था, कट विथ सरफेस। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद मुझे जो कट करना है तो यहाँ पे मैं एक सरफेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। सरफेस सिलेक्ट करने के बाद हमें जो कट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एरो, अप वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए या डाउन वाला नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायरेक्शन अप वाला, मतलब ये कट हो जाएगा, ये रिमेनिंग रहेगा, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये होता है कट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता हूँ। आप यहाँ से भी एक डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अभी मैंने डाउन कर दिया, तो मीन्स ये जो है हमारा वो कट हो जाएगा, जो सरफेस के नीचे जो मटेरियल होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये इस तरीके से ये कट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें जो ये हमारा ये है, इसे भी हम ऑफ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑफ कर दिया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपको सरफेस के थ्रू कट मारना है, तो यहाँ पे आप कट विथ सरफेस यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो हमारा सर्फेसिंग का, हमने यहाँ पे ऑल कमांड कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।